हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एस्थेटिसिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स जंप इनटू इट। एस्थेटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है जो कि डेवलप हुआ था 19th सेंचुरी के दौरान। विक्टोरियन पीरियड में जो मॉरल और सोशल वैल्यूज पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता था, इसी के रिएक्शन में एस्थेटिसिज्म इमर्ज हुआ था। एस्थेटिसिज्म विक्टोरियन सोसाइटी की नैरोनेस और रिप्रेशन का रिस्पॉन्स है, जो कि प्रोप्राइटी, मोरालिटी और सोशल कॉन्फॉर्मिटी पर ज़्यादा फोकस करती है। अब हम जानेंगे कि कैसे एस्थेटिसिज्म इमर्ज हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेकोरेटिव आर्ट या क्राफ्टमैनशिप जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्ट्स की क्वालिटी बहुत घट गई थी, और एस्थेटिक मूवमेंट इसको बदलना चाहते थे बाई प्रोमोटिंग ब्यूटी एंड ऑर्नामेंटेशन। और एस्थेटिक थिंकर्स ये बदलाव लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर लाना चाहते थे, जैसे फर्नीचर, क्लोदिंग और इंटीरियर डिजाइन आदि। सो एस्थेटिसिज्म 19th सेंचुरी में जो सोशल और कल्चरल चेंजेस आई थी, उसके रिस्पॉन्स में इमर्ज हुआ था। और विक्टोरियन सोसाइटी की जो रिजिडिटी और मॉरल रेक्टिट्यूड थी, उससे ब्रेक फ्री होने की कोशिश करती है और ब्यूटी और प्लेजर को सेलिब्रेट करती है। अब हम एस्थेटिसिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड सेंसरी एक्सपीरियंस। जो एस्थेटिसिज्म की बिलीव्स को फॉलो करते हैं उन्हें एस्थीट्स कहा जाता है, और एस्थीट्स का ये मानना था कि ब्यूटी और सेंसरी एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ की एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और आर्ट और लिटरेचर को हमें इसलिए ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए क्योंकि ये हमें ब्यूटी और सेंसरी एक्सपीरियंसेस देती है। एस्थीट्स के लिए ब्यूटी कोई सुपरफिशियल और आर्ट की कोई डेकोरेटिव एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि ब्यूटी एक एसेंशियल एलिमेंट है जो कि ह्यूमन स्पिरिट को इंस्पायर और अपलिफ्ट कर सकती है। वो ये मानते थे कि ब्यूटी के पास ऐसी एक ट्रांसपोरेटिव पावर होती है जो व्यूअर या रीडर को एवरीडे एक्सपीरियंसेस से ऊपर लेके जाती है और एक स्पिरिचुअल और हायर रियलिटी से कनेक्ट करती है। आर्ट फॉर आर्ट से एस्थेटिसिज्म का और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एस्थीट्स ये मानते थे कि आर्ट को केवल आर्ट के लिए क्रिएट किया जाना चाहिए, ना कि कोई मॉरल, पॉलिटिकल और सोशल यूटिलिटी के लिए। एस्थीट्स के अनुसार आर्ट का कोई डायडेक्टिक या इंस्ट्रक्शनल पर्पस नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्ट को इसके ब्यूटी, एलिगेंस और एस्थेटिक क्वालिटीज के लिए वैल्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि आर्ट के पास ह्यूमन स्पिरिट को इनेबल और सोल को इनरीच करने की पावर होती है। सिंबोलिज्म और एलिगरी भी एस्थेटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एस्थीट्स अपने आर्ट या पेंटिंग में सिंबॉलिक लैंग्वेज, इमेजरी और मेटाफर का यूज करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये टेक्निक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस की ज़्यादा डीपर और कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करती है। सिंबॉलिज्म विजुअल आर्ट यानी पेंटिंग पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें आर्टिस्ट को कलर, फॉर्म और कॉम्पोजिशन का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स इमोशंस और आइडियाज़ को कन्वे करना होता है। लिटरेचर में ऑस्कर वाइल्ड और वॉल्टर पीटर सिंबॉलिक लैंग्वेज और एलिगरी का यूज़ करते हैं, ताकि वो इमेजिनेशन को स्टिमुलेट कर सकें और डीप इमोशंस को इवोक कर सकें। अगर हम फेमस एस्थेट राइटर की बात करें तो ऑस्कर वाइल्ड उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ही आर्ट फॉर आर्ट से एक आइडिया को डेवलप किया था। और दूसरे कुछ फेमस एस्थेट आर्टिस्ट हैं जेम्स मैकनील व्हिसलर और ओब्रे बियर्ड्सले। हालांकि एस्थेटिक मूवमेंट ब्यूटी और प्लेजर पर ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी थे जो ये कहते हैं कि एस्थेटिसिज्म सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस नहीं करती। लेकिन जो भी हो, एस्थेटिसिज्म का इन्फ्लुएंस हम आज भी कई फील्ड में देख सकते हैं, जैसे आर्ट एंड डिज़ाइन आदि। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।